हाँ बस अभी वकील से मशवरा करके निकली हूँ, उसी ने ये सारी बातें पूछी हैं। तुम प्लीज नसरीन से पूछकर मुझे बताओ। हाँ हाँ मैं अभी कंफर्म करता हूँ। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। अफजल, अफजल। जी सर। यार एक छोटा सा काम है, हुक्म करें सर जी। जाकर नसरीन से पूछ के आओ कि थाने में किसी कागज पर कोई साइन या कोई अंगूठा लगवाया था उससे एसएचओ ने। सर आप किसी और को भेज दें सर, मैं नहीं जाऊंगा सर। मलक नादिर को पता चल गया तो खामखा शर्मिंदा करने आ जाएगा सर। नहीं लेकिन जब तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात ही नहीं है तो शर्मिंदा क्यों होना। सर आपकी बात जायज़ है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा सर, किसी और को भेज दें सर। तुम ही जाओगे। ना करें सर, मेरी मजबूरी समझे सर, क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ। अरे नहीं मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब तुम्हारा नसरीन से कोई लेना देना ही नहीं है, जवानी की बातें जवानी में रह गई हैं और तुम्हारे दिल में कोई चोर भी नहीं है तो क्यों मना कर रहे हो। मेरे दिल में चोर नहीं सर, डाकू है, और इस बात का आपको भी पता है, आप इसलिए खेल रहे हैं मेरे साथ। मैं नहीं, मलिक नादिर खेल गया तुम्हारे साथ। वो नसरीन को अकेला करना चाहता है, इसीलिए उसके इर्द गिर्द के लोगों को गिल्ट ट्रिप दे रहा है ताकि सब इधर उधर हो जाए और नसरीन हार मान ले। नहीं सर, हार तो नहीं मानेगी सर। जब देखेगी कि उसके अपने उसके पीछे नहीं खड़े तो भी हाथ खड़े कर देगी। मलिक नादिर जीत जाएगा और वो सब हार जाएंगे। सर अब क्या कह रहे थे, क्या पूछ के आ रहे नसरीन से।